जय हिंद दोस्तों। तीन स्टॉक्स जिस पे स्टडी करेंगे। पहला स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, दूसरा स्टॉक शोभा लिमिटेड और तीसरा स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर्स। इन तीन स्टॉक्स पे हम स्टडी करने वाले हैं एंड पिछले दिनों जहाँ पे स्टडी की थी जिन स्टॉक्स पे उसका अपडेट आपके सामने पेश करूंगा। चोला फिन पहला रेजिस्टेंस 690 क्लियर कर दिया है और दूसरा ब्रेकआउट कहाँ पे हो गया है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कल के सेशन में हमने स्टडी की थी एंड 2291.3 ये पिछली बार की एक हाईएस्ट क्लोजिंग थी। अगर इसको निकाल देता है तो स्टॉक में बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं पेट्रोनेट एलएनजी। पिछली बार स्टडी की थी क्या समझ में आ रहा था, स्टडी की थी इन द मंथ ऑफ सितंबर 232 के आसपास स्टडी की थी। अच्छा, और एक चीज़, एक बार स्टडी कर लेना 2-3-4 महीने, लेवल्स आर मोर देन इनफ काम करने के लिए। देखो पिछली बार 242 के आसपास स्टडी की थी एंड समझ में आ रहा था 244-255 ये दो रेजिस्टेंस एक जोन है, यहाँ पे जा सकता है। एंड आने वाले दिनों में स्टॉक ने आप हाई देखो कितना, कौन सा लगाया 18 अक्टूबर, एग्जैक्टली 243.55। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने बताया है इसलिए स्टॉक ने उस लेवल को हिट नहीं किया है। आप भी स्टडी करो, ध्यान दो, बेसिक चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके मतलब इन लेवल्स निकालना सीख जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। दैट्स द ओनली मोटिव आई शेयर स्टडीज विद यू। मैं स्टडी जो है आपके साथ शेयर इसीलिए करता हूँ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, स्टॉक देखो एकदम सिंपल, यहाँ पे हाई लगाया 243 का एंड स्टॉक जो है एक ही सिंगल चैनल में धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा था एंड यहाँ पे देखो बार बार दो बार सपोर्ट लिया एंड अभी ऊपर की तरफ निकल रहा है। अभी लंबे समय से जिस रेंज में फंसा हुआ है, एक हाई एक रेजिस्टेंस है, वो है ये, देख लो एक पर्टिकुलर रेंज में फंस गया है, बॉक्स है, रेंज है, समझ में आ रहा है। एंड जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो है 10 दिसंबर की 228.6, 228.6। जब तक ऊपर की तरफ ये नहीं निकलेगा नो बड़ी तेज़ी, जस्ट लाइक लास्ट टाइम हमने जो स्टडी की थी 228.6। अब नीचे की तरफ स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस है सिमिलर 210 रुपये का, पिछले तीन सेशंस का लो है ये, यस 3-4 सेशंस का लो है, इसको ध्यान में रखना है। 210 के आसपास अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ओके। अब 228.6 ऊपर की तरफ निकाल दिया तो आने वाले 1-3 महीने में जिस रेंज में स्टॉक चले जाएगा वो है 240 एंड 255। आराम से इस रेंज में जाता हुआ दिखेगा, इसको आप दो रेजिस्टेंस मान लो, यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा। एंड जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, लेवल्स आर सिमिलर जस्ट लाइक लास्ट टाइम, 210 190 के आसपास मिलता है, लंबी अवधि का नजरिया है, आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक शोभा लिमिटेड, इसके ऊपर स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम स्टडी की थी समझ में आ रहा था 15 जुलाई की एक क्लोजिंग थी, अच्छा जुलाई महीने, हाँ अगस्त महीने में स्टडी की थी, 15 जुलाई की एक क्लोजिंग थी 673.5 रेजिस्टेंस था। देखो उसको कैसे निकाला एंड उसको निकाला तेज़ी कैसे बढ़ी, 705.40 तो ठीक है, हाई लगा दिया 850 का, यस 850 का। इसीलिए कहता हूँ स्टडी करते रहो, अपने आप लेवल्स जो है हिट करेंगे। अभी लेटेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, स्टॉक में सिंपल एक ही पैरेलल चैनल में स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है, एक ही पैरेलल चैनल में ऊपर जा रहा है। अब सारे लेवल्स जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अपडेट करेंगे सब कुछ, ये अभी आउटडेटेड हो गया है लेवल, इसको मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले रेजिस्टेंस को समझेंगे। देखो बार बार यहाँ पे इसको तो लेके आ रहा है, अब नीचे की तरफ एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करूँगा जिसको समझ ड्रॉ करते ही पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट क्यों है वो लेवल। ये लाइन को देखो, स्टॉक 7 अक्टूबर उस रेंज के आसपास जाके फिर से नीचे आ गया, फिर 3 नवंबर 3-4 दिन उसके ऊपर काम किया, नीचे आ गया, फिर दिसंबर के आसपास भी 10 दिसंबर 3-4 दिन जाने की कोशिश की, फिर यहाँ पे फाइनली 17 जनवरी 5 दिन ऊपर काम किया, फिर से नीचे आ गया। और वो लेवल कौन सा है, वो है 14th जैन, इस रेंज की जहाँ पे स्टॉक अभी जाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ की हाईएस्ट क्लोजिंग 913.7, 913.7। जब तक ये क्लियर नहीं होने वाला है बड़ी तेजी देखने नहीं मिलेगी। एंड कौन सा वो लेवल है, नीचे की तरफ अगर तोड़ दिया नुकसान बढ़ जाएगा, 830, 830। ये तकरीबन कितने सेशंस का लो है, मैंने लिख के रखा है 9 सेशंस का, यस 9 सेशंस का लो है। बार बार स्टॉक इसके पास जाके घूम रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये ट्रेडर्स की रेंज बन गई जो 3-4 दिन से लेके 6 दिन तक डिलीवरी में लेके काम करते हैं। 830, 913, 830-835 के आसपास आ गया, हल्की खरीदारी देखने मिल गई, फिर से ऊपर चला गया तो 910-900 के आसपास बिकवाली देखने मिल गई, प्रेशर बनते दिख गया। अब 913 को निकाल दिया ऊपर की तरफ, उसके ऊपर बंद होना शुरू हो गया, तो आने वाले 1-3 महीने में 955-1000 ये लेवल देखने मिल सकते हैं, इस रेंज में स्टॉक जा सकता है। ये अगले दो रेजिस्टेंसेस है, इस जोन में स्टॉक जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट जिनको करना है ध्यान दीजिए कौन से लेवल्स है एंड द लेवल्स आर दिस,
इसके आसपास मिला तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 765 एंड 700, इसके पास मिलता है तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट करना है कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक रिलैक्सो, इसके ऊपर स्टडी कब की थी, इन द मंथ ऑफ जुलाई, एंड समझ में आ रहा था तभी 1190 1200 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, एंड उसको देखो कैसे क्लियर किया। जैसे उसको क्लियर किया तेज़ी देखो कैसे आई, बड़ी तेज़ी आई। इनफैक्ट एक सेशन में कितने परसेंट की तेज़ी थी, 10% की तेज़ी आई, एंड हाई लगा दिया 1350 रुपये का। जी हाँ, 1350। ये इंपॉर्टेंस होता है स्टडी का, स्टडी करोगे ना पता चल जाएगा आराम आराम से स्टॉक में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सब चीज़ आपके हाथ में, मतलब यू नो आपके पेपर पे लिख लिखी हुई होगी कब क्या करना है आपको। सो नो वरीज अगर आपने स्टडी की है तो। अभी लेटेस्ट स्टडी क्या हो रहा है, स्टॉक देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल में काम कर रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे छोटी सी एक अपनी कर्व पैटर्न है उसको कंप्लीट कर दिया। देखो कर्व पैटर्न कंप्लीट कर दी, एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस अभी बनाया है वो कौन सा लेवल है, वो है दिस लेवल, कौन सा दिन है, 1349.3। यस, 7 जनवरी की क्लोजिंग 1349.3, हाईएस्ट क्लोजिंग इस रेंज की, जहाँ पे स्टॉक अभी धीरे धीरे एक सपोर्ट लिया था कहाँ पे 1227 के आसपास से फिर से ऊपर जा रहा है। लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड इसके ऊपर जैसे ही हुआ क्लोज बड़ी तेजी देखने मिलने वाली है, 1349.3, 1350 मान लो। अब नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, तोड़ दिया नुकसान बढ़ जाएगा, एंड द लेवल इज दिस, कौन सा लेवल है, 1280। पिछले 3 सेशंस का लो है ये, 1280, 3 सेशन का लो है, इस पे ध्यान रखना है। तो ट्रेडर्स की रेंज बन गई 1280 1350, जहाँ भी आया अपने हिसाब कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क के हिसाब से थोड़ा पोजीशन बना लिया। अब 1350 यानी कि 1349 को निकाल दिया ऊपर की तरफ, तो आने वाले 1 से 3 महीने में जिस रेंज में स्टॉक जा सकता है वो है 1410 एंड 1480, 1410 1480, ये अगला जोन है जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता दिखेगा रुकता दिखेगा। ये दो रेजिस्टेंस है, ये दो स्पीड ब्रेकर्स है। अभी अब लंबी अवधि के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है 1165 एंड 1050 इस रेंज में आता है, तो जिनको इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो स्टडी पेश की है आपके सामने, स्टडी पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड स्टडी आपके सामने पेश करने का मोटिव सिंपल है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद की इक्विटी मार्केट्स के डिसीजन जो है खुद लेना शुरू कर दो। बिकॉज द थिंग इज, पैसे आपके हैं, मेहनत की कमाई आपकी है, तो किसी और को आप क्यों पूछोगे कि मार्केट में करना क्या है। मैं चाहता हूँ आप खुद डिसाइड करो क्या करना है, खुद अब स्टडी इस तरह से कर लो कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि कौन सा लेवल हिट होने के बाद स्टॉक में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एंड आप चाहते हो मैं आपके लिए किसी लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर स्टडी करो, तो स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, साथ ही टाइम फ्रेम भी लिखना कि कितने समय के लिए होल्ड करने का प्लान कर रहे हो। ओके, एंड स्टडी करते रहो, एंड दिन में मतलब यू नो मैं तो आपके सामने लिखता हूँ 12-15 स्टॉक स्टडी करो। मैं तो रेफरेंस के लिए सिर्फ 3 स्टॉक्स लाइक आपके सामने स्टडी करके रखता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ 3 या 5 स्टॉक्स पे अपने आपको लिमिट मत करो, या 12 या 15, आपको 15 स्टॉक्स 20 स्टॉक्स 25 स्टॉक्स जैसी आपकी कैपेसिटी है आप स्टडी करना शुरू करो। बेसिक चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करो, लेवल्स को लिखना शुरू करो, वो लेवल्स के जो अलर्ट्स है ब्रोकर के ऐप में या अपने ऐप में सेट करना शुरू करो, सो दैट जैसे उस लेवल को हिट करेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मिस्टर एक्स या मिसेस एक्स आपका ये लेवल हिट हो गया है। आप फिर आपको जो भी प्लान करना है कर सकते हो, एंड ये जो भी आप स्टडी करोगे आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप करने वाले हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पूरा दिन सोशल मीडिया के ऐप्स पे उंगली घिसते घिसते वेस्ट करते हैं। जी हाँ, एक एक दो दो घंटे उंगली घिसते घिसते या दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटसेस देखते देखते वेस्ट करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। वही समय अगर आप डाइवर्ट करोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर, आपको 2-2 3-3 घंटे स्टडी नहीं करनी है, आप सिर्फ शुरुआत करो 1/2 घंटा 1 घंटा या 15 घंटा या 20 मिनट, आप फिर डिफरेंस को फील करना शुरू करो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यू नो शुरुआत करते हैं वेब सीरीज को देखना, पहले बोलते हैं 1 घंटा ही देखूंगा, एंड फिर अंत में रोमांच इतना बढ़ गया कि पूरी 5 घंटे की वेब सीरीज एक साथ देख ली। 5-5 घंटे दिन में वहाँ वेस्ट हो सकते हैं, तो अगर 1/2 घंटा या 1/2 घंटा है 1 घंटा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए देना है तो उसमें गलत क्या है। तो जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचिए, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड जो भी आप मेहनत करोगे खुद के लिए आप करने वाले हैं। तो सीखते रहिए, पैसे कमाते रहिए, एंड अपने पोर्टफोलियो का जो स्टेयरिंग व्हील है अपने हाथ में ही रखिए। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।